सत श्री अकाल सारे किसान भरावां नूं, सारे जिमीदार भरावां नूं सत श्री अकाल। आओ अज दी वीडियो आपां तुहाडे नाल गल करदे आं महिंद्रा 575 ते, और गल चलेगी 1998 मॉडल तो लैके 2010 मॉडल तक। गल चलूगी DI 575 दी, और गल चलेगी 1998 तो लैके 2010 मॉडल तक, और गल करांगे इहदी PTO बारे अज, ते गल करांगे नाल क्लच दी। जिस तरीके ने इस वीडियो तुहानू वेखण नूं मिलेगा, आपां गल करदे हां तुहाडे नाल। ये ट्रैक्टर साडे कोल इस टाइम गैरज विच जिस तरीके नाल खुल्ला वा, इस टाइम आपां वेख सकदे हां की हुंदा वा कि कई वार अपने ट्रैक्टर बड़े किसान भरावां दा नाले वारदात हो चुकी हुंदी आ, उहदा कारण की आ, उस चीज़ तों किवें बचिया जा सकदा, आपां इस वीडियो च तुहानू दस्सांगे। जिस तरीके नाल ये ट्रैक्टर साडे कोल खुल्ला आ वा, कारण की हुंदा कि जदों इह ट्रैक्टर मगर आपां जनरेटर जां रोटावेटर पाउने आ, की हुंदा वा कि उह ट्रैक्टर दा जदों लोड पैंदा वा, PTO गेयर आटोमैटिक जिहड़ा वा उह निकल जांदा वा। जिस तरीके नाल ट्रैक्टर को विखा दें, आ जाओ जदों लोड पएगा यह गेयर निकल जाएगा, ठीक है। इहदा कारण की आ, बड़ी डिटेल नाल तुहानूं अजे वीडियो च दसदे आ सारा कुछ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती आ, पर बिल्कुल प्रॉपर फुल जानकारी तुहानूं मिलेगी। हुंदा की आ कि जदों आपां अपने ट्रैक्टर का PTO गेयर लाउने आ, जिस तरीके नाल क्लच आ, पूरा क्लच दे दबाउण दे बावजूद भी आ वेख सकदे आपां, इदां क्लच पूरा दबिया भी आ, दबण दे बावजूद ही जदों आपां PTO वाला गेयर पाउने आ, जदों रोटावेटर जां जनरेटर मगर पिया हुंदा वा, इह किर करके पैंदा, मतलब आपां धक्के ना पाउने आ, आराम नाल गेयर नहीं पैंदा, उहदे नाल की नुकसान हुंदा ते किहड़ी चीज़ दा कारण आ, उठो इक मिंट दस दिंदा तुहानूं। उहदा मेन कारण हुंदा साडे क्लच दा, जदों साडे क्लच दे विच दिक्कत आएगी, साडा PTO गेयर जिहड़ा उह खराब होवेगा। अगर अपने क्लच दे विच दिक्कत नहीं आवेगी, तुहाडा PTO दा गेयर कदी भी खराब नहीं होवेगा, लाइफ टाइम तक भी नहीं खराब होवेगा। सिर्फ इहदा खराब होण दा कारण की आ, जिस तरीके नाल वीडियो च विखा दिंदे आ, जो लागे करो आपां वेख सकदे आ, आखो जिस तरीके नाल इहदे दंदे थोड़े थोड़े टेपर हो चुके, आपां वेख सकदे आ, आखो ठीक है। और इधरों ये शावट दे भी हो चुके आ, ये कपलर इहदा इस तरीके का, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये खराब होने का ज्यादा कारण की है, सिर्फ हाडा क्लच, जदों हाडा क्लच पूरा वर्क नहीं करेगा, जिमें जिमें यह शावट जी गाड़ियों इस तरीके आप देख सकते हैं, शावट घूमी जाएगी, ये इस करके दंदे खराब हो जाते। अगर खलो के गेयर पवेगा तो साफ्ट कभी नहीं खराब होगी, इस करके आपां तुहानूं इस वीडियो दसदे हाँ। हुण आपां वेखो शाफ्ट नवीं है, इहदे दंदे किस तरीके दे, कपलर विखाओ, आपां वेख सकदे हाँ, वेखो ठीक आ। और दूजा कारण की आ, जदों क्लच एडजस्टमेंट सही ना आवे, उहदे कारण की हुंदा, एक होर नुक्स पैना शुरू हो जांदा। आपां की करदे आ, फिर आपां नूं एक शावत, एक क्विल कपलर, सॉरी ये दोनों नूं PTO कपलर ते PTO शावत वा, ये दोनों आपां नूं नवें पाउणे पैणगे, ठीक आ। और कई बार की हुंदा नवें पाउण दे बावजूद भी ट्रैक्टर गेयर कढ़णों नहीं हटदा, उहदा रीजन की आ, आ जाओ इधरों दी आओ, एक ते लीवर गलत पाया हो, पहले किसी मकैनिक भरा ने पाया वा,
जाके किसान भरा क्योंकि नहीं तो पाया नहीं होना। ठीक है, दूजी गल आप तुम बिल्कुल डिटेल से दस दिए, कई इतने दिखाओ मर जाए होर नेड़े करो, अपना पीडियो जो गेयर है ना वेखो, आ हैगा न्यूट्रल का निशान। ठीक है, आखो वेख सकते हैं आप, ये हैगा गेयर आ जड़ी। ठीक है, आ वेख वेख सकते हैं आप। ओके, और कारण की है कि जो अपना पीडियो गेयर है ना, अगर इतों पैना स्टार्ट होगा वेख सकते आप अद्ध के आखो, फिर भी कोई ज़्यादा लाइफ टाइम गेयर तो चलन वाला नहीं है। अगर इतों भी स्टार्ट होगा तो भी ज़्यादा चर गेयर नहीं चलेगा। अपना पीडियो गेयर का चढ़ा जरा इतों स्टार्ट होना, इतने न्यूट्रल आ न्यूट्रल के उत्तों बस थोड़ा अज इतें आप वेख सकते हैं, इन्ना चढ़ा देना जरूरी है, फिर अपना पीडियो गेयर कभी नहीं खराब होगा। दिक्कत कितने आती है और तुम डिटेल दस दे, जो आप बिना क्लच सही कीतिया गेयर पावे आ जी राड आ आप वेख सकते हैं, आवे इस जगह तो महंगी हो जाएगी इस जगह तो। ठीक है, आप वेख रहे हैं बार बार गेयर पाना क्ढना इतों महंगी होगी, और कई किसान भरावों की तो इतों राड टुट भी जाती है, जो आप धक्के गेयर पावे धक्के गेयर क्ढा। ठीक है, आप करना हों, आप नवा लीवर पावे, दिखाओ कमेंट इधर, क्योंकि ये लीवर नहीं है, शाफ्ट खराब होने का बहुत बड़ा कारण यह भी है वा, आप लीवर ये पावे जोड़ा यदा लीवर हैगा वा। ठीक है, आप वेख सकते हैं ये लीवर तो ये लीवर बहुत फर्क आ। ठीक है, क्योंकि एक तो लीवर वेखो फिल्टर के ना लग रहा, वो कारण गेयर पूरा नहीं पै रहा, थोड़ा जहा फर्क आ, पर आप लीवर कई बार सही ओरिजिनल लीवर के नाल भी यह दिक्कत आती है, जो इतों लीवर वींगा हो जाता इस जगह तो उदो की हों, दोहरे डिटेल से दस दें तुम, इस जगह तो लीवर वींगा हो जाएगा अगर क्लच पूरा काम नहीं करता, पिछे रोटावेटर जनरेटर पिछे नहीं खड़ता, जिहड़ा भी आपां पीडियो दे उपर संद पाया हुंदा कोई भी एम्पलीमेंट वो वर्क नहीं करेगा। अगर आप रोटावेटर पाया तो धक्के नाल गेयर पावांगे, क्लच नप के गेयर नहीं पैंदा ना रोटावेटर रुकदा वा, उहदे कारण साडी शाफ्ट हुंदी आ खराब। और दूजी गल इह वी चढ़ा तुहानूं दस्सदा वी इत्थों स्टार्ट होना जरूरी जिथे दस्सिया तुहानूं। ठीक आ, यदि पूरी वीडियो बना के तुहानूं अपलोड करांगे, आपां वीडियो दे नाल तुसीं जुड़े रहना वा, इस टाइम ट्रैक्टर खुला वा, कसण तो बाद भी तुहानूं वीडियो पाई जू भी कित्थों गेयर लगना हुंदा वा। और दूजी गल करांगे ट्रैक्टर दे क्लच दी एडजस्टमेंट किद्दां करनी, आपां इह वी वीडियो च वेखण मिलेगा। और दूजा कारण की है भी 575 ट्रैक्टर दा जिस तरीके दे नाल आपां वेखदे हां की हुंदा भी कई बार क्लच छड्डण लग्गा ट्रैक्टर जिहड़ा वा झट्ठा मारदा वा, आखो आप क्लच नप्या पिछे कोई भी एम्पलीमेंट पाने लगने जो आप ट्रैक्टर तोड़ लगे तो ट्रैक्टर झटका मार के तुरदा वा, उहदा रीजन भी तुहानूं दस्सिया जाऊ इस वीडियो दे विच भी किस तरीके नाल हल करना वा। बिल्कुल क्लच जिहड़ा वा उत्तों पैर चुक के नहीं वजेगा, झटका मार के नहीं तुरेगा, बिल्कुल अरमान दे नाल जिहड़ा ट्रैक्टर वा वह तुरेगा। और दूसरी गल करांगे इहदे क्लच सील की, कई बार की हुंदा भी अपने क्लच की सील लीक हो जाती तो आप गाली सील ही पाउने इहदी जिहड़ी फ्रंट दे विच दित्ती हुई, पर नहीं उहदा रीजन की है भी आपां नूं इत्थे दो सीलां जिहड़ियां होर पाउणियां पैणगियां, एक ए एक सील ए आ, एक इहदे अंदर सील वा। आ खोल के कुप्पा तुहानूं सारी वीडियो डिटेल च दस्सदे आ किस तरीके नाल तुहानूं अपने ट्रैक्टर का वर्क कराउणा चाहीदा वा जां खुद भी करना चाहीदा वा। ठीक आ, क्योंकि कोई भी वर्क जिहड़ा कि नहीं वो टायरां दे उत्ते शाफ्टां रख के इस तरीके दे नाल नहीं दस्सिया जा सकदा। आ वेखिओ बिल्कुल डिटेल में तुहानूं दस्सिया जाऊगा भी किस तरीके नाल आपां वर्क करना वा और किहड़ी किहड़ी चीज़ का किदां किदां फायदा वा किदां नुकसान वा। इस करके जुड़े रहो साडी वीडियो नाल लाइव, आपां तुहानूं हुण वीडियो शाफ्ट फिट करके गेयर दा चढ़ा दसांगे, फिर दसांगे क्लच झटका क्यों मारदा वा, और तीजी गल करांगे भी कितनी एडजस्टमेंट दे उत्ते पीडियो की जिहड़ी आ सड़ंग होनी आ जिहदे नाल तुहाडा पीडियो दे गेयर मार ना पवे। सील विखाओ, सील पानी बहुत जरूरी है, नजर आ रही है करियो इधर, ये सील काट के बिल्कुल नमी पाई जाए।
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਫੋਟ ਫੜ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਟ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ फिर कभी भी तुहाडे क्लच दे विच तेल नहीं आएगा की कारण होंदा कई बार भी आपां गाली सील बार बार पाई दिंदे आ हैना क्लच फड़ा लेने मैनूं इत्थे ओदे बावजूद भी आडा क्लच च तेल उहनूं हटदा नहीं आ ठीक आ क्लच फड़ा दे लो जी हुण आपां तुहाडे नाल करदे आ क्लच दे बारे गल। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ज्यादा लंबी नहीं हो सकती, पर प्रोपर जानकारी मिलेगी क्लच की तुहानूं। आपां की करदे कई बार क्लच दे काम कराने के बावजूद भी डबल क्लच ट्रैक्टर खास करके अर्जन जां 575 रोटावेटर वाहुंदे समय आपां की करदे जदों क्लच नप भी दिंदे पूरा नपदे आ ਤਾਂ ਵੀ ਗੇਅਰ ਲੀਵਰ ਤੇ ਮੇਨ ਤੇ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਫਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਘੱਟ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏ ਜੀ ਪੀਰੀਓ ਗੇਅਰ ਤੇ, ਸੌਰੀ ਮੇਨ ਗੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ mm ਫਿੰਗਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੱਚ ਵਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਗੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੇਅਰ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ। लो जी पहला करते हैं आप पीडियो एक फिंगर करा, ठीक है आ देखो तुम अभी लग गए आ देखो आप इस पीडियो 30 mm ते कर लेना इस तरीके देना देख सकते कर लिया। ठीक है एक फिंगर इतने कर लेनी आप ठीक है, बाकी फिंगर आप तीन वो सूई ब्लॉक ना बिल्कुल इको जहाँ करा। ये की होगा कि ताड़ी जी पीटीओ आ शावट क्लच छड़न लग्या जा वैसे भी कभी ताड़ी पीटीओ जी धड़केगी नहीं, बिल्कुल 0-0 जी फिंगर हो डाउन। आप एल की नहीं कर सकते पर आपां एल की क्योंकि नट बिल्कुल रेड़े आ देख सकते आप बिल्कुल जिहड़ियां वो ठीक है। हुण ये फिंगर जिहड़ी आ अप वा ठीक है, इहनूं आपां थल्ले सुट लाँ, ये मेल फिंगर आ वेख सकते हैं एक दो ठीक है तीन बिल्कुल प्रॉपर एक फिंगर हो गई सुई ब्लॉक के नाल।
ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 30 mm ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋ ਫੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ 30 mm ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10 mm ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਮੇਨ ਫਿੰਗਰ मेरे भरा भी कहेंगे कि बहुत ज़्यादा फिंगर चुप दी है वीडियो क्लच नहीं वर्क करेगा आप वीडियो सब दिखावे वर्क करेगा पूरा वर्क करेगा और आप भी दसागे कि आप पता लग रहा भी ये वर्क करेगा ठीक है हूँ आप एक फिंगर करा 40 mm की ठीक है 40 mm से आप करा एक फिंगर की आप देख सकते हैं बिल्कुल 40 mm ते करांगे अगर घट रखांगे फिर गेयर दे ते भार पवेगा ठीक देख सकते हैं आप पूरा आ देखो ठीक है 40 mm ते आप करता इन हूँ आपू सूई ब्लाक के बिल्कुल सैटिंग कर लाँगे जी इस तरीके अगर क्लच करा हाँ पेपर कभी भी क्लच छड़न लगे धड़केगा नहीं आप वेख सकते हैं आपको ये भी 40 के करा ये भी फिंगर 40 के जाने कि हम आप सुई ब्लाक ना करा 10 mm का गैप रखा अं ठीक है बिल्कुल प्रोपर गैप है सारे ठीक है इन्हें चेक कर सकते इन्हें भी चेक कर सकते हैं तिने फिंगर जो चुकिया वा 10 mm का गैप आ बाकी तुम फिटिंग करके चेक कराने हम गल करा जो अपने नटा लो किस तरीके करना लियाओ ये नहीं है कि नटा किस तरीके सट मारन की कोई लोड़ है कोई दिक्कत नहीं आप इनू एना बाउंड हैवी लाइट दोनों चो एक चीज़ ला सकते हैं दिखाओ इधर
ये नट लॉक हो जाएंगे अपने, ठीक है। ठीक है, और इस तो बाद तिना नड़ा इस तरीके फिंगर नड़ा लॉक करते हैं, ठीक है। हूँ कई मकैनिक भरावान दिमाग के मन च यह भी आएगा भी इन्ना गैप पाने के नाल वीडियो नहीं रुकेगी, वो भी तुम दस दें वीडियो क्यों नहीं रुकेगी कि रुकेगी सारा कुछ दस देना, पर इन्ना गैप रखने की होगा कि अपना रोटावेटर के उत्ते ट्रैक्टर का ज रीपर के उत्ते चलते समय ट्रैक्टर के मेन गेयर के उत्ते इस गेयर के उत्ते भार नहीं पवेगा। आपका कि कांच नपया भी हूँ कई यार, पर आ गेयर निकलता नहीं, जे निकल जाए तो पैदा नहीं, ठीक है। क्लच सही होने के बावजूद, क्लच का सही काम करने के बावजूद भी आ गेयर रोटावेटर से ज रीपर के उत्ते गेयर से भार पै रहा थोड़ा टाइट निकलता, वो कारण यही है कि यह गैप फिंगर का घट होने करके जरा अगर यो गैप आप तीह की जगह पैंती कर देंगे, ठीक है, जिदा तीह है एम एम पैंती एम एम कर देंगे फिर गेयर से भार बढ़ेगा मेन से। हम आप दस एम एम का गैप बताया, तीह के कीतियां पीडीओ दियाँ, चाली के कीतियां मेन दियाँ, ठीक है। हम ट्रैक्टर जोड़ के तुम पीडियो के उत्ते विखा दें कि ट्रैक्टर में कि रुकती है और पिछे क्लच काम करना चाहिए, ठीक है। बराबर हूँ अपना ट्रैक्टर इस टाइम तैयार हो चुका वा, ठीक है। ट्रैक्टर की आप ट्राई ले ली आ, वीडियो च विखा दे तुहानू और तुहानू ये विखा दे भी क्लच इस टाइम किन्ना जिहड़ा रला हो चुका वा और डबल क्लच ही पूरा वर्क करेगा और पीडियो गेयर भी कितों स्टार्ट हुंदा वीडियो च विखा दे तुहानू। क्लच हुण झटका भी नहीं मारेगा, क्यों नहीं झटका मारेगा वह भी दस दें तुहानू, आ जाओ आपां वेख सकते हैं ये क्लच है डीए दी, ठीक है। ये थले आपां 15 नंबर की ढिबरी बिल्डिंग की हुई है, अगर तुम अपने क्लच में रैला करना चाहते जो ढिबरी बिल्डिंग कर सकते जे विद तुम क्लच हड्डी नवी भी पा सकते जे, क्योंकि नवी तो आपां नूं पैसे खर्चने पैने कोई 300-400 रुपये के करीब करीब, ये जिहड़ा सौदा साडा बिल्कुल सस्ता वा, ठीक है, सस्ता कहदा भी फ्री आ। ओके हुण आपां की कीता आ क्लच नूं आपां वेख सकदे आ, आखो इधर करो, एक तो आपां नूं टेक कट्टणी पऊ क्लच की लागे करो ये आख वेख सकते आप, ठीक है। ये हड्डी जी कट दित्ती हुई है, ये की है भी क्लच तो भी ज़्यादा जाएगा तो ठां भी ज़्यादा जाएगा और क्लच तुम बिल्कुल आसानी के नाल नप सकते जे, कोई नुकसान नहीं है। जिहड़ा भरा करना चाहुंदा उह करे, जिहड़ा कंपनी फिटर रखना चाहुंदा उह बिल्कुल ना करे, ठीक है। पर यह क्लच देखो किनारे वाला हो चुका, आप इत्थों वेख सकते हैं इधरली साइड तो, जे अगर तुहाडा क्लच नप्या जा रहा तो रैला, अगर नहीं नप्या जा रहा फिर टैट आ, ठीक है। आ देख सकते आप डबल क्लच तक नप्या जा रहा इतों, ठीक है। हूँ आप उपर चढ़ के तुम स्टार्ट करके ट्रैक्टर जोड़ा वा सोठ हाँ करो किया जी, आप विखा दे पीडीओ का गेयर भी जोड़ा कितों स्टार्ट होगा पैना यह भी विखाया जाएगा तुम्हें। हूँ एक 100% लाइफ टाइम ही जोड़ा वा पीडीओ का गेयर कभी खराब नहीं होगा, अगर क्लच जदों खराब हों उदों क्लच ठीक कराइए, तो अगर क्लच सही नहीं है आप धक्के गेयर पाई जावे फिर तो गेयर खराब होगा। और सब तो पहले आ जाओ तुम इधरली साइड विखा दें भी क्लच किन्ना रैला वा, झटका मारदा नहीं मारदा, ठीक है। बाकी आ काली भाई हुणी साडे कोल पहुंचे आ, बड़े नामी व्यापारी है, इन्हां नूं पुछदे आ भी बिल्कुल कह सकते मलाई वर्गा क्लच, ठीक है। सतनाम वाहेगुरू। नाल ही तुहानूं पीडीओ गेयर पा के विखा दें, कीता जी पिछों शाफ्ट फड़ो, आपां तुहानूं शाफ्ट भी फड़ के विखा दें भी कित्थों गेयर पैना स्टार्ट हुंदा वा, फड़ के रखो आ वेखो आ जिहड़ी कंबरी आ लागे करो
आखो ठीक है आए तो छावट फड़ के रखो आखो आ जी हाथ में महसूस हो रही है धड़कन क्योंकि इतों गेयर पैना स्टार्ट हो रहा बिल्कुल लागो ही हूँ कभी गेयर भी खराब नहीं क्यों नहीं होगा क्योंकि गेयर का चढ़ाव बहुत ज़्यादा वा चुका है टाइम ये गेयर नहीं खराब हो जाए हूँ आपको तुम विखा दें गेयर पा के आखो अगर आप पावे एक तो आवाज भी नहीं करेगा तो गेयर आखिर ठीक है तो झटका भी नहीं मारेगा बिल्कुल मानना ट्रैक्टर तुरेगा ठीक है आप देख सकते हैं आपको ठीक है और इतना गेयर पे तो ही आप पीडियो गेयर पा के विखा दें आपको देखो गेयर खलोता है मगर बखाओ परे हट जाओ पिछली साइड हो थोड़ा जहा दूर हो गया मड़ाया आप देख सकते हैं पहला पीडियो तुरेगी फिर ट्रैक्टर तुरेगा सही क्लच की एडजस्टमेंट उ आखो पीडियो तुर पी और नाल ही ट्रैक्टर तुरेगा ठीक है ये क्लच रुक गया ये पीडियो रुकी ठीक है इस टाइम पीडियो रुक चुकी है डबल क्लच भी कम करेगा बिल्कुल रला गए रख हूँ तुम अभी विखा लेते हैं कितने क्लच जरा इधर लियाओ इधरली साइड आ जाओ हूँ आप विखा लेते हैं अद तक जोड़ा वा मेन टायर वाला क्लच रुकना चाहिए सॉरी टायर रुकने चाहिए क्लच ना और उत्तों थले रुकना चाहिए पीडियो आ देखो ये नहीं है इतने तक गेयर पवेगा नहीं गेयर इतने ही पवेगा इतने बिल्कुल बड़े आराम ना पहला गेयर पवेगा यदा ठीक है इतने पीडियो रुकेगी बिल्कुल डबल क्लच आ रखो अद दे विच टायर रुकने होंगे उत्तों थले इतने पीडियो रुकेगी ठीक है और बिल्कुल जोड़ा वा बंद करो थल बंद कर दो इस टाइम पीडियो का चढ़ाव भी तुम वेख लिया आखो पूरा अगर इतों स्टार्ट होनी चाहिए है इतों ही दिखाओ इधर अगर अद तो स्टार्ट होगा इतों फिर समझो गेयर का चढ़ाव घट वा ठीक है फिर इन्ना क गेयर लगेगा गेयर का किसी भी ट्रैक्टर का चढ़ाव जरा सॉरी 575 का वो इतों होना चाहिए वा अगर इतों स्टार्ट हो जाएगा गेयर पैना तो फिर जोड़ा ताड़ा गेयर आ पीडियो का कभी भी शावर तो कपलर नहीं खराब होगा ना ही बोगट टुटेगी ठीक है बाकी जोड़े जोड़े भरावान ने वीडियो चंकी लगी वो कमेंट अपना कारण और जोड़े मेरे भरा ये कंपनी फिटर ट्रैक्टर ही चलाना चाहते हैं किसी किस्म की उन्हें छेड़खानी नहीं करना चाहते बिल्कुल ना कर बाकी उन्होंने भरावान वास्ती वीडियो है भी नहीं है ठीक है ये वीडियो उन्हों भरावान वास्ती आ जिन्हों ये वीडियो वधिया लगी वो अपने ट्रैक्टर का काम कितने भी इदा करवा सकते हैं बाकी ता अपना चैनल आ जग्गा ट्रैक्टर बॉस नित नवी वीडियो वेखने लाइक करो शेयर करो कमेंट करो थैंक यू।